रेलवे परिसर में गरीब जरूरतमंदों को प्रतिदिन मदद कार्य में जुटे रेलवे मजिस्ट्रेट प्रकाश विके। न्यूज मिशन में आपका स्वागत है। न्यूज मिशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कोरोना संकट के चलते पूरे देश में इस समय चल रहे लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा मुसीबत में गरीब व मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोग ही हैं, जिनको मदद रूपी राहत पहुंचाने में रेलवे विभाग अधिकारियों कर्मचारियों की टीमें भी सक्रिय हैं। रेलवे मजिस्ट्रेट प्रकाश उइके ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन रेलवे परिसर के मजदूरों रिक्शा चालकों व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए रेलवे अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से आमजन की रसोई प्रारंभ की गई है, जिसके जरिए लगभग 250 से 300 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे मजिस्ट्रेट ने बताया कि जरूरतमंदों के लिए आरपीएफ द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए एक हेल्पलाइन भी प्रारंभ की गई है। इसमें 4 डॉक्टर्स की टीम को शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति आरपीएफ के हेल्पलाइन नंबर 9752419051 पर कॉल कर डॉक्टर्स की पैनल से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण फौरन प्राप्त कर सकता है। लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इस लॉकडाउन की स्थिति में ये देखने में आया है कि हमारे स्टेशन परिसर में रहने वाले रिक्शे चालक, दिहाड़ी मजदूर और जो आसपास कार्य करने वाले, डेली वेजेस पर कार्य करने वाले, उनको यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान कोई रोजगार न होने से भोजन का संकट उत्पन्न हो गया था। तो ऐसी स्थिति में हमारी आरपीएफ की टीम, मजिस्ट्रेट स्कॉट की टीम और रेलवे के अधिकारियों के द्वारा मिलजुल कर सहयोग से एक आमजन की रसोई की स्थापना की गई है और इस आमजन की रसोई के माध्यम से हम 250 से 300 लेबरों को प्रतिदिन खाना खिला रहे हैं और सुबह उनको चाय और पोहा, दोपहर में भोजन के पैकेट और शाम को पुनः भोजन के पैकेट उनको वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आरपीएफ द्वारा एक नई सेवा भी प्रारंभ की गई है। लॉकडाउन के दौरान ये देखने में आया है कि लोग डॉक्टरों के पास नहीं जा पा रहे हैं और उनसे छोटी मोटी बीमारियों के संबंध में भी परामर्श नहीं दे पा रहे हैं, तो इस संबंध में हमने एक 4 डॉक्टरों का एक पैनल तैयार किया है और रेलवे सुरक्षा बल जबलपुर द्वारा एक नंबर प्रोवाइड कराया गया है 9752419051। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल करेंगे सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक, तो हमारे जो 4 डॉक्टरों का पैनल है वो आपको जो सामान्य बीमारियां, जो मौसमी बीमारियां, इसके संबंध में आपको स्वास्थ्य सलाहें देंगे और आप इसका भी लाभ घर बैठे ले सकते हैं, जिससे आपको लॉकडाउन के दौरान कहीं बाहर जाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डॉक्टर आपको जो है स्वास्थ्य सलाह जो है वो घर बैठे प्रोवाइड कराएगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही अपील है कि आप भी इस अभियान से जुड़ें। आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति जो रोजगार के संकट के कारण खाना नहीं खा पा रहा या कोई परिवार इस संकट में है, तो उसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं या आप अपनी ओर से भी उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप अपनी ओर से कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो इस संबंध में आप हमें भी इसी नंबर पे जो है वो सूचना दे सकते हैं, हम उस व्यक्ति तक भोजन पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ अगर कोई चिकित्सा सहायता भी उसको चाहिए उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कितने जस्ट बाद से 22 तारीख से निरंतर जारी है और जब तक लॉकडाउन रहेगा हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस अभियान को तब तक चलाएं।